बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पाठ दो व्याकरण को फिर से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। तो आइए हम इसकी परिभाषा को पहले पढ़ते हैं। व्याकरण हमें भाषा को सही ढंग से लिखना, स्पष्ट पढ़ना सिखाता है। व्याकरण ही भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण का ज्ञान ना होने से हम भाषा का गलत रूप बोलते हैं। जैसे दिव्या पत्र लिखता है, ब रमेश फोन करती है। ऊपर के वाक्यों में कथन गलत है। स्त्रीलिंग दिव्या के साथ क्रिया पुल्लिंग की लिखी गई है तथा पुल्लिंग रमेश के साथ क्रिया स्त्रीलिंग की लगाई गई है। अतः उपरोक्त दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध वाक्य हैं, दिव्या पत्र लिखती है, रमेश फोन करता है। तो इस तरह बच्चों हम लोग को पता चला कि ये जो दिव्या है, दिव्या स्त्रीलिंग थी जिसके साथ हम लोग क्रिया लगा दिए थे पुल्लिंग की, तो ये वाक्य गलत था। तो इसको सही लिखना, जैसे क्रिया को बदला यहाँ पे लिखती किया, तो ये जो शुद्ध किया, ये जो व्याकरण होता है हमें भाषा की शुद्धता बतलाता है। भाषा ही हमें सही ढंग से लिखना सिखाता है और पढ़ना भी। यहाँ पे एक और परिभाषा है, व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना आदि सीखते हैं। सार संक्षेप, व्याकरण भाषा के विकारों को दूर करके शुद्ध रूप प्रदान करता है। बच्चे, इस पाठ दो में किताब में ही अभ्यास प्रश्न दिए हैं। ये प्रश्न नंबर 1, निमांकित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो। यहाँ अशुद्ध वाक्य है, इनको शुद्ध करना है इधर और लिखना है वाक्य को। तो जैसे है यहाँ पे क में, क्या तुम पानी खाती हो, तो यहाँ पे शुद्ध करके इस तरह लिखना है। ये मैंने कॉपी में किया है, आप लोग इसे अपनी किताब में कर लोगे। क्या तुम पानी पीती हो। दूसरा है ख, कुत्ता रोती है, कुत्ता रोता है। ग, पिताजी ऑफिस जाती है, इसका शुद्ध वाक्य है, पिताजी ऑफिस जाते हैं। तेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे होगा तुम्हें क्या चाहिए। अंगा, परमजीत कौर सोता है।
ये लड़की है परमजीत कौर, तो यहाँ पे क्रिया लगा दिया है पुल्लिंग, तो इसे हम लोग सुधार कर यहाँ पे सोती कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा, परमजीत कौर सोती है। इसी तरह इन वाक्यों में जो क्रिया लगे हैं वो अशुद्ध हैं, वो पुल्लिंग, जिसमें स्त्रीलिंग होना चाहिए क्रिया उसमें पुल्लिंग है, और जिसमें पुल्लिंग होना चाहिए उसमें स्त्रीलिंग है। इसी तरह आप लोग इसे अपने किताब में, जो लोग नहीं किए हो वो लोग पेज नंबर 10 में इसे कर लोगे।